So, hey guys, Thecrazysk here and I'm back with a new video. So guys, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज Thecrazysk का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ आप सभी के पूछे गए कुछ सवालों का, जो आपने नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया होगा यूज करके हैशटैग #AskTheCrazysk। So, बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले जो कमेंट है वो है अर्नव का, जो पूछते ब्रो 0 to 20,000 सब्सक्राइबर रीच करने में कितना टाइम लगा, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो भैया कर लिया आपका क्वेश्चन पिक। सो 0 to 27,000 सब्सक्राइबर मुझे करने में ऑलमोस्ट लग गए 1.5 साल। हाँ, प्रॉपरली 1.5 साल लगे, बिकॉज जो मेरा स्टार्टिंग का 1 साल था ना, उसमें मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं थी। 1 साल में मेरे जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे। आप सभी का स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करो तो आप सभी को पता होगा, देन इसी साल से मेरी वीडियो जो है हल्की हल्की वायरल होना स्टार्ट हो गई एंड हमारा चैनल जो है अभी करंटली 28,000 सब्सक्राइबर्स पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टेक टॉक्स की तरफ से, कौन सा फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो और एडिट PC या लैपटॉप एंड माइक कौन सा है। सो भाई, मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कभी कभी इस फ़ोन से जो कि है मेरा मोटो G3, या तो इस फ़ोन से जो कि है मेरा रेडमी नोट 3, एंड लैपटॉप या PC तो मेरे पास है नहीं क्योंकि हम एक गरीब यूट्यूबर है, तो यूज़ करता हूँ काइन मास्टर एंड्रॉयड का वीडियो एडिटिंग करने के लिए। एंड माइक की बात करूँ तो ये माइक है सस्ता वाला, ये ऊपर है देखो, ये वाला माइक करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसको अगर आप ऐसा कुछ पास में लेके बोलोगे ना आवाज़ बहुत घटिया आती है, तो लेवलियर माइक है। सो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने का, 250 रुपये का आ जाता है, बट वॉइस बहुत ख़राब आती है। सो लगा देते इसको अपने जगह पे। भाई, मैं जो वॉइस ओवर के लिए माइक यूज़ करता हूँ वो जो है मेरे फ़ोन का माइक है मोटो G3 का, इसलिए उसमें जो है आवाज़ एकदम क्लियर आती है। एंड इस माइक की आवाज़ सही में घटिया है, मुझे एकदम घटिया आवाज़ लगती है इस माइक की। अगर आपको लेना है फिर भी तो आप ले सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है 250 रुपये में, लेवलियर माइक आप सर्च करोगे तो ये माइक आ जाएगा। तो इस बढ़ते हमारे लिए इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जेल्ट्रैक्स कैल्विन का, और इनका एक क्वेश्चन नहीं, इनके 5-6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम, तो मेरा नाम है सिद्धांत, जिसको भी नहीं पता, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मेरा नाम सिद्धांत है, नहीं करते तो फॉलो कर दो यार, वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स अपडेट डालता हूँ, कितनी बार बोली ये चीज़ें, कर दो फॉलो मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड क्वेश्चन इनका, वेयर आर यू फ्रॉम, विच स्टेट, लाइक हम कौन से स्टेट से है, तो मैं थाने स्टेट से हूँ। एंड व्हाट इज़ योर एज, तो हमारी उम्र है भैया 19 साल, हम हैं 19 साल के। और व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग है बट फेवरेट कोई नहीं है मेरा। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, बिरयानी, KFC का चिकन पॉपकॉर्न, लाइक नॉन वेज में मेरा सब कुछ फेवरेट है, एंड वेज में अगर बात करूँ तो भिंडी रोटी, या भिंडी रोटी मेरी वेज में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। प्लीज़ शाउट आउट माय नेम जेल्ट्रैक्स कैल्विन, आपका नाम मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही ले लिया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नयन की तरफ से, भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है, एंड इस क्वेश्चन पे 8 लाइक आए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट 8 लाइक आए, सबसे ज़्यादा लाइक इसी क्वेश्चन पे आए। मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ SY BCOM में, और जिसको SY BCOM नहीं समझता है, मैं सेकेंड ईयर BCOM में पढ़ रहा हूँ। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि है मोहित रावल का, इनका क्वेश्चन है, इनका रैपिड फायर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख सब्सक्राइबर और iPhone X, ऑब्वियसली iPhone X, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर ऐसे फुकट में तो कोई देगा नहीं, एंड iPhone X भी ऑब्वियसली कोई देगा नहीं, देन टू iPhone X। सेकेंड क्वेश्चन है बीबी के माइंस और कैरी मिनाटी बोथ, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों के वीडियो देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है लव और मनी, ऑब्वियसली लव, क्योंकि पैसे तो मैं कमा लूँगा यार कहीं ना कहीं से, बट प्यार तो नहीं कमा सकता ना, तो ऑब्वियसली लव। By the way, I love your all videos. Please pick my question. तो भैया मोहित, आपका क्वेश्चन पिक कर लिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आदित्य गुप्ता का, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर है तो कितनी है, तो कितनी गर्लफ्रेंड है। सो वैसे अभी तक आदित्य मैंने गिना नहीं है कभी कितनी गर्लफ्रेंड है, ऐसे कैलकुलेट तो नहीं किया, टोटल तो नहीं किया है, बट आज मैं बता ही देता हूँ कितनी गर्लफ्रेंड है। सो लेट मी थिंक, 10th फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक ऑलमोस्ट 15, हाँ, एंड 10th क्लास से लेकर, नहीं 11th क्लास से लेकर अभी सेकेंड ईयर तक ऑलमोस्ट 4, हाँ 4, एंड 15 और 4 होते हैं 19, तो हाँ 19, टोटल 19, हाँ एग्जैक्टली 19 साल यार, आई मीन 19 साल से सिंगल हूँ मेरे भाई, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, आई मीन 19 साल से सिंगल हूँ मेरे भाई, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सभ्याशी पॉल का, भाई बोलते हैं ब्रो विच इज़ योर फेवरेट ऐप ऑफ ऑल टाइम, एनी 3,
तो तीन ऐप की बात करूँ तो फर्स्ट जो है मेरा वो है टच रिटच, जिससे आप जो है अपने इमेज की अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हो, लाइक यहाँ पे बैकग्राउंड में वाईफाई जिसको आप डायरेक्टली हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सेकेंड जो है वो है सोलो, बिकॉज जिसमें आप जो है ऑनलाइन गाने सुन सकते हो लाइक सावन, बट ये जो है टोटली फ्री है। एंड अगर थर्ड ऐप की बात करूँ तो थर्ड एक्चुअली कोई है ही नहीं, दो ही मेरे फेवरेट है बस, तीसरा नहीं है कोई, होगा तो बता दूंगा नेक्स्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अमृत सिंह का, भाई आपकी एज कितनी है? तो भैया हमारी एज है 19 साल, हम हैं 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड। भाई आपका कोई क्रश है क्या, लाइक आपकी क्रश कौन है? तो भाई क्रश एक तो नहीं है, बहुत सारी क्रश है। अब नाम कैसे बताऊं, बहुत सारी क्रश है। लाइक हम ऐसे लोग ना रास्ते से निकलते किसी को देखते हैं, उतने घर से निकलते कुछ दूर चलते हमारी क्रश बन जाती है। तो बहुत सारी क्रश है भाई, नाम भी नहीं पता मुझे उनका, क्योंकि क्रश ना यार, क्रश का नाम पता चल जाएगा तो क्रश कहाँ से रहेगी। यानी गर्लफ्रेंड तो भाई नहीं, गर्लफ्रेंड कौनो नहीं है हमें, हम 19 साल से सिंगल ही है भैया, कौनो गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी। भाई वीडियो सब अच्छी है आपकी, स्मॉल फैन, तो थैंक यू भाई। एंड फैन मत बोलो भाई, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया यार, लाइक सिर्फ 28,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, और आप लोगों से इतना प्यार मिलता है, लाइक लोग बोलते भाई आई एम योर बिग फैन, आई एम योर स्मॉल फैन। भाई मैं आप लोगों के भाई की तरह ही हूँ, किसी के लिए मैं छोटा भाई हूँ, किसी के लिए मैं बड़ा भाई हूँ, तो भाई बोले फैन मत बोलो, बस ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है त्रिथा का, एंड ये पूछते हैं भाई तुम फ़ोन में बैक कवर यूज़ करते हो, इज़ इट सेफ प्लीज़ टेल। और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसके रिगार्डिंग मैसेज किया, तो सॉरी ब्रो मैंने आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया। सो बैक कवर यूजुअली मैं भी यूज़ करता हूँ, ये देख रहे हो आप मेरा रेडमी नोट 3 पे जो है बैक कवर लगाइए, ऑब्वियसली सेफ होता है, बिकॉज ऐसा अगर हम फ़ोन को फेंक देते हैं तो ड्रॉप हो जाता है फ़ोन, तो फ़ोन को जो है बचाने का काम करता है बैक कवर। बट बैक कवर कभी कभी दिक्कत देता है, लाइक अगर आप फ़ोन को चार्जिंग कर रहे हो, हेडफोन लगा गाना भी सुन रहे हो और यहाँ पे गेम भी खेल रहे हो, तो भाई क्या होता है ना, फ़ोन का टेम्परेचर हो जाता है हाई, और बैक कवर जब आप लगाते हो ना तो वो टेम्परेचर ना और हाई हो जाता है, बिकॉज वो रिलीज़ नहीं होता है कहीं से, तो तब ना थोड़ा दिक्कत देता है बैक कवर। तो गेमिंग करते वक्त मैं रिकमेंड करूँगा बैक कवर ना यूज़ करो, एंड चार्जिंग करते वक्त भी बैक कवर ना यूज़ करो, बिकॉज चार्जिंग जो है उससे फास्ट होगी, बैक कवर नहीं यूज़ करोगे, एरोप्लेन मोड पर रखोगे तो चार्जिंग भी उससे फास्ट होगी। बाकी बैक कवर बेसिकली फ़ोन को प्रोटेक्ट करने का ही काम करते हैं, जो कि मेरा बैक कवर भी कर रहा है, बट इसने फ़ोन को प्रोटेक्ट नहीं किया, फ़ोन जो है कम्प्लीटली टूट गया है, दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, 5 मेगापिक्सल का मोटर कैमरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गेमर्स SD का, जो कि है एक्चुअली इमरान। अब इनका क्वेश्चन पिक करने से पहले इनके और मेरी दोस्ती की स्टोरी बताता हूँ। लाइक ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि भाई मैं आपको की ऐप सजेस्ट करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब ठीक है इमरान सजेस्ट कर दे, अच्छा रहा तो मैं वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। और आज तक जो भी ऐप सीरीज़ का वीडियो होता है ना, उनमें से कुछ कुछ ऐप इमरान की सजेस्ट की हुई होती है, और काफ़ी अच्छी अच्छी ऐप सजेस्ट करते हैं मुझे। तो लेते हैं इनका क्वेश्चन, सच्ची सच्ची बताना, ओके यूट्यूब के लिए तूने क्या क्या चीज़ छोड़ी है, लाइक छोड़ी है और कितने आइटम छोड़ा है, सच बोलना और मेरा क्वेश्चन पिक कर ले। सो मेरा इमरान भाई तेरा क्वेश्चन पिक कर लिया, और अगर बताओ मैंने यूट्यूब के लिए क्या क्या छोड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 10,000 की जॉब थी अमेजोन में, जो कि मैंने छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के लिए नहीं, एक्चुअली मुझे खुद का कुछ करना था, एंड उस वक्त ना मेरा इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो मैंने ऐसा सर्च किया था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो फर्स्ट वीडियो जो था वो आया था UIC का, योर इंडियन कंज्यूमर का, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विथ यूट्यूब। तो उनका वीडियो देखकर मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड अभी अर्निंग हो जाती है बट बहुत कम होती है, लाइक सच बताऊँगा गाइस दिन के ना 40-50 रुपये तक नहीं बनते, और 40-50 रुपये $1 भी नहीं होता, $1 भी एक्चुअली 67 रुपीज़ होता है, तो पैसा नहीं बने, बट कोई नहीं, हम लोग स्ट्रगल करके चैनल को और आगे लेके जाएंगे, बनेंगे पैसे। बट मुझे खुद का कुछ करना था, इसलिए मैंने अपने 10,000 की अमेजोन की जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। एंड बंदा पूछता है भाई सच सच बताना कितने आइटम छोड़ा है, तो भाई मेरे आइटम को नहीं छोड़ा हूँ, आइटम है ही नहीं, आइटम मीन्स गर्लफ्रेंड, इनकी बात करेंगे वैसे ही, हम लोग ऐसे ही बात करते, तो नहीं छोड़ा भाई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है ही नहीं तेरे भाई की, तुझे तो सब सच पता है ना इमरान यार, फिर भी तू क्वेश्चन करता है, तुझे व्हाट्सएप नंबर दिया अपना मैंने, लाइक हम रोज व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फिर भी तू कमेंट कर क्या मेरे भाई यार क्या। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो की है आफरीन का, एंड इनका क्वेश्चन है या कुछ है मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है, लाइक देख लो बहुत बड़ा है, सो लेट मी रीड इट वंस। भाई तू वो जो अननोन बढ़िया बढ़िया ऐप्स कहाँ से पाते हैं,
तो भाई मैं ऐप्स जो है सब प्ले स्टोर से ढूंढता हूँ, कुछ कुछ मुझे इमरान सजेस्ट करता है, कुछ कुछ यहाँ वहाँ से पता चल जाता है। और ये इन सभी ऐप के बारे में कौन बताता है? तो भाई कोई नहीं बताता है, कभी कभी इमरान बताता है मेरे को। कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे मैसेज करते हैं ऐप्स के रिगार्डिंग, एंड बहुत कम सब्सक्राइबर करते, सच बता रहा हूँ, एक दो करते हैं, इमरान ज़्यादा करता है। एंड बाकी सब मैं प्ले स्टोर या वेबसाइट या इधर से ढूंढ लेता हूँ। बाकी इनका है हर तेरी हर वीडियो की ऐप्स मेरे फ़ोन में है, तू लाजवाब है भाई, लव यू एसके, दुआ करता हूँ तुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, और अगर पहले से है तो दूसरी मिल जाए। मैं बांग्लादेश से हूँ इसलिए ज़्यादा हिंदी नहीं आती, वरना बहुत कुछ बोलता था तेरे बारे में, लव यू अगेन यार। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना प्यारा प्यारा अप्रिसिएशन दिया। मैं भी इंडिया से हूँ, मुझे भी बंगाली ज़्यादा नहीं आती, पर आपके इस अप्रिसिएशन के लिए एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, बंगाली में भाई खूब भालो, एंड खूब भालो मतलब खूब बढ़िया आपने कमेंट किया, मेरे लिए दिल को बहुत सुकून पहुँचता है जब कोई हमारी मेहनत को समझता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है वो है तुषार का, पूछते हैं विच फोन इज़ बेटर, एम आई नोट 5 प्रो और मोटो G5S Plus? तो मेरे भाई आँख बंद करके रेडमी नोट 5 प्रो ले ले, बिकॉज ये जो है सबसे बेस्ट है, एंड मोटो से तो बढ़िया ही है। बिकॉज अगर मैं कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ जो इसकी बढ़िया है मोटो से, लाइक इसका कैमरा जो फ्रंट का जो कैमरा है वो है 20 megapixel का, जबकि मोटो का जो है वो है 5 megapixel का। इसका जो बैटरी लाइफ वो है 4000 mAh की, जबकि मोटो की जो है वो है 3000 mAh की। बाकी स्पेसिफिकेशन इनका नॉर्मल एंड्रॉइड 7.1 दोनों में है, रैम 4GB है, 64GB इंटरनल है, बट स्टिल रेडमी नोट 5 प्रो सबसे बेस्ट है तेरे लिए। तो भाई रेडमी नोट 5 प्रो ले ले आँख बंद करके। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑफिशियल ब्लॉगर का, इनका क्वेश्चन है इनका जो है एप्रिसिएशन है, इसलिए मैंने इसको जो है सबसे लास्ट में रखा। ये बोलते हैं यू आर बेस्ट, यू आर नाइस, यू आर हैंडसम, यू आर ऑनेस्ट, नो वर्ड्स फॉर यू ब्रो, बिग फैन, आई हेल्प यू इन ऑलवेज इन योर बैड सिचुएशंस एंड ऑल्सो इन गुड सिचुएशंस, बिग फैन, #Thecrazysk के आर्मी, सो पावरफुल ऑफिशियल ब्लॉगर। भाई आपका मुझे नाम नहीं पता, अगर आप नाम कमेंट कर देते तो काफ़ी सही होता। थैंक यू आपके इस एप्रिसिएशन के लिए, और Thecrazysk के आर्मी सही में आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, क्योंकि जब जब मेरा पूरा वक्त आता है ना आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत मोटिवेट करते हो। कभी ऐसा होता है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं कुछ पोल करता हूँ, कुछ वोट ऐसे डालता हूँ कि मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, आपके काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो। लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप लोग जैसे सब्सक्राइबर मिले हैं, मेरी सब्सक्राइबर फैमिली इतनी अच्छी जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो गाइस आज का ये Q&A एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड बिहाइंड द सीन्स एंड अपडेट लिए आप मुझे ज़रूर से फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी बातें करता हूँ गाइस जो कि मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। मैं पर्सनल लाइफ के बारे में भी पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, लाइक मैं स्टोरीज डालता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज आता हूँ, उसकी कुछ कुछ स्टोरी डालना मैंने आपसे स्टार्ट कर दिए, सो वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज की Q&A के लिए बस इतना ही, ये Q&A वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मैंने गलती से आपको क्वेश्चन पिक नहीं करा तो कोई बात नहीं, संडे को फिर से Q&A आएगा, आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो यूज़ करके #AskTheCrazysk के, और # यूज़ करना मत भूलना ताकि मैं आपका क्वेश्चन जो है फिल्टर कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। सो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो।